हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ मसूर दाल की रेसिपी, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लें। इसे हम ज़्यादा महीन नहीं पीसेंगे, थोड़ा सा दरदरा पीसेंगे। हाँ, तो देखिए दाल हमने ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल ही दरदरा है, ज़्यादा महीन नहीं करना है। अब इसको इसमें निकालेंगे। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। इसको अच्छा से मिलाएंगे। अब इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून। अब इसमें मिर्चा पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून। और ये लहसुन है जिसे हम ग्राइंड कर लिए हैं, इसको हम 2 टेबल स्पून डालेंगे। और थोड़ा सा धनिया पाउडर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसको अच्छा से मिला लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट होगा हमारा मसूर दाल का ये सब्जी, बहुत ही टेस्टी होगा। तो चलिए इसे हम पकौड़ी जैसा बनाते हैं। पैन हमने चढ़ा लिया है, तेल गरम हो गया है। अब इसमें इसको गोला गोला करके डालेंगे, बिल्कुल टिक्की जैसे डालेंगे। आँच मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए, अब धीरे धीरे इसको हम सब एक एक करके सबको पलट लेंगे। एक बार ज़रूर बनाइए और चावल के साथ खाइए, और टेस्टी लगेगा। या पराठे के साथ खाइए। ये देखिए हम पलट रहे हैं सारे को। ज़्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सा लाल आएगा तो उतार लीजिए। ये देखिए हमारे पकौड़े कितने अच्छे अच्छे फूल रहे हैं, सारे फूल गए हैं। कम आँच पे ही बनाएंगे तो सारे फूल जाएंगे। अब ये हो चला है, इसको निकालेंगे। एक एक करके सारे निकाल लेंगे। ये देखिए, तो हमने सारे पकौड़े तल लिए हैं। तो अब सब्जी के लिए हमारे सारे पकौड़े रेडी है। तब चलते हैं, मसाले बता दें, फिर ग्रेवी के लिए चलते हैं। तो ये मसाले में हमने काली सरसों लिया है, काली सरसों ज़रूर लें। और इसमें लहसुन है और जीरा है, और ये मिर्चा पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है। और इसको तेल में फ़ोरन देने के लिए हमने मेथी का यूज किया है, मेथी डाल रहे हैं। कढ़ाई में मेथी हमने डाल दिया। अब थोड़ा सा तेल डालेंगे, फिर मेथी जब लाल होगा तब मसाले डालेंगे। तो ये देखिए मेथी हमारे लाल हो गया, अब इसमें हम मसाले डालेंगे। याद रखें, काली सरसों ज़रूर लेना है। अब इसमें हल्दी मिला दें, बहुत ही अच्छा खुशबू आ रही है। अपने स्वाद अनुसार मिर्चा डालें, अगर ज़्यादा तीखा खाते हो तो ज़्यादा मिर्चा डालें, कम खाते हो तो कम मिर्चा डालें। अब इसको मिलाएंगे। एक बार घर में ज़रूर बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी होता है इसका, मसूर दाल का।
अब मसाले को हम भूनेंगे और इसे लाल करेंगे। जब तक मसाला तेल नहीं छोड़ता तब तक हम भूनेंगे इसको, आँच कम ही रहेगा। ये देखिए हमारे मसाले पूरी तरह लाल हो गए हैं, बहुत अच्छा से भुना गए हैं, बहुत अच्छा खुशबू भी आ रही है। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। अब इसको अच्छा से मिलाएंगे। बहुत अच्छी सब्जी होगी, एक बार ज़रूर बनाएं। अब इसमें थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाएगा। थोड़ा सा नमक डाल के और इसको मिला देंगे, फिर इसको अच्छा से चलाएंगे। अब हमारा टमाटर थोड़ी देर में ही गल जाएगा। ये देखिए हमारे मसाले पूरी तरह लाल हो गए हैं और मसाला तेल भी छोड़ दिया है, देखिए। और टमाटर भी पूरी तरह गल चुका है, देखिए। और मसाला भी भुना चुका है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। जितना आपको ग्रेवी रखना है उसी अनुसार से पानी डालें। जितना ग्रेवी रखना है उसी अनुसार से पानी डालें। ये देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा भुनाया है। ये देखिए हमारे मसाले उबल रहे हैं, मसाले अच्छे से उबल गए। अब इसमें हम पकौड़ी जो बनाए हैं वो पकौड़ी डालेंगे। बहुत स्वादिष्ट होगा हमारी सब्जी मसूर दाल की। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अब इसको हम फिर एक बार बॉयल करवाएंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। चावल से बहुत स्वादिष्ट लगेगा, एक बार ज़रूर बनाकर खाएं। इसको बराबर से चला दें। अब सब्जी लगभग तैयार है। अब इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक कर। तो इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए और फिर मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा सब्जी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखिए सारे पकौड़े फूल चुके हैं। अब सब्जी हमारा हो चुका है। अब इसमें हम धनिया पत्ता ऐड करेंगे। गैस को ऑफ कर लेंगे। ये देखिए हमारा सब्जी तैयार हो गया। अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा मसूर दाल का ये सब्जी बहुत ही टेस्टी हुआ होगा, बहुत ही अच्छा है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। तब तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। थैंक यू।